गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम, क्लास 12, सब्जेक्ट म्यूजिक, लेसन नंबर 1, संगीत, टॉपिक खटका और मींड। खटका किसे कहते हैं? इस शब्द का अर्थ है भय, संदेह। संगीत में गिटकरी, मुरकी और खटका एक अर्थबोधक है। यह एक प्रकार का अलंकार विशेष है। किसी एक स्वर को उसके आगे पीछे के स्वरों के साथ शीघ्रता से उत्पन्न करते हुए या शीघ्रता से बोलते हुए बजाना या गाना खटका कहलाता है। खटका प्राचीन गमक का ही एक प्रकार है। इसके प्रयोग से किसी भी रचना की सौंदर्य वृद्धि होती है। इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए सुने, पा मा धा पा, पा दा पा मा पा। हमने इसमें पंचम स्वर से खटका लिया, तो पंचम स्वर से जो आगे और पीछे के जो स्वर हैं, पंचम स्वर से पहले मध्यम और पंचम स्वर के बाद धैवत। अब हमने इन तीनों स्वरों के प्रयोग से खटका बनाया, तो उसमें हमने शीघ्रता से बोलते हुए मा और धा को प्रयोग करते हुए वापस पंचम पे आते हैं, मध्यम और धैवत का प्रयोग करते हुए प म ध प, इस तरह से प द प म प, प म ध प। अब जानते हैं मींड के बारे में। गायन और वादन की इस क्रिया का यह रूप विभिन्न भावों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब दो स्वरों को के बीच के स्वरों को बिना खंडित किए उच्चारण करने को मींड कहते हैं। फिर से एक बार समझें, किसी भी स्वर के बीच में आए हुए स्वर, जैसे हमने सा और पा, अब इसके बीच में रे, गा और मा, ऋषभ, गांधार और धैवत, इन तीनों स्वरों की ध्वनि को बिना खंडित किए उच्चारण करने की क्रिया को मींड कहते हैं। मींड का प्रयोग गायन में और सितार में होता है। मींड भारतीय संगीत की एक विशेषता है। इसे गाने बजाने में संगीत में लोच और रंजकता आती है। उदाहरण के लिए समझे, सा पा रे धा। अब हमने सा और पा, इनके बीच में रे, ऋषभ, गांधार और मध्यम, इन तीनों स्वरों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इनकी इन स्वरों की ध्वनि को खंडित भी नहीं किया। फिर से समझें, जब दो स्वरों के बीच के स्वरों की ध्वनि को बिना खंडित किए उच्चारण किया जाता है, उसे मींड कहते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।